आजमगढ़ जिले के अहरोला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव के पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान की अज्ञात बदमाशों ने रविवार सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार राम चौहान रोज की तरह भोजन करके अपने बरामदे में सोए हुए थे। इसी बीच देर रात अज्ञात हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। परिजन जब सुबह जागे तो भयावह मंजर देख उनके होश उड़ गए। पूर्व प्रधान लहूलुहान पड़े थे। देखते ही देखते घर में कोहराम मच गया। धीरे धीरे गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। वहीं गांव के कुछ लोगों ने बताया कि रात में उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन हैरानी की बात है कि परिजन चैन की नींद सोए रहे। वहीं आजमगढ़ एडिशनल अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने घटना को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान और मृतक पूर्व प्रधान की एक दूसरे के साथ चुनावी रंजिश चल रही थी और दोनों ने एक दूसरे पर कई मुकदमे भी दर्ज कराए थे। आज दिनांक 30 सितंबर 2024 को सुबह लगभग 5 बजे थाना अरोला पर यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव आलमपुर के पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान का किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सूचना पर तत्काल थाना अरोला की पुलिस, पीआरवी वाहन और उसके अलावा फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस टीम और सीओ बुढ़नपुर और मैं भी मौके पर पहुंचा। मौके पर लोगों से जानकारी ली गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। इनके द्वारा यह जांच में कहा जा रहा है कि प्रथम दृष्टया कि पूर्व प्रधान जो वर्तमान प्रधान है उनके साथ इनकी चुनावी रंजिश थी, उसी में कई मुकदमे इन्होंने भी लिखवाए हैं, विपक्षी ने भी इनके ऊपर लिखवाए हैं, इसी की रंजिश को लेकर यह हत्या की गई है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की तरफ से गांव के वर्तमान प्रधान की और हत्या का शक जताया गया है, लेकिन पूरी घटना का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, आजमगढ़।